हाय एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमान क्लासेस चैनल। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंधरी। आज आप लोग को जेसीसी बोर्ड झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग का डेट आ चुका है। मैं पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। रिजल्ट आप कैसे देखे हैं, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट देखने के लिए कितने रैंक आपका आए, वो आप देख सकते हैं। रिजल्ट के कॉलम में जाके रिजल्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कॉलम जाने के बाद आपको देखिए प्लीज सेलेक्ट, प्लीज सेलेक्ट एग्ज़ाम, आप जैसे जाओ प्लीज एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे आपको ओके करना है। जैसे करोगे इंटर रोल नंबर और सर्च, आपका ये रैंक कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा कि आप कितने रैंक लाएँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि काउंसलिंग का जो नोटिस आ चुका है वो आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि काउंसलिंग फी क्या होगा, ठीक है। और आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिए थे आपने, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जान लोगे, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग के समय में। मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप काउंसलिंग के नोटिस पर क्या आए कि काउंसलिंग का डेट कब तक है, ठीक है। तो काउंसलिंग का सबसे पहले आपको जाना है कहाँ पर, देखिए ये पॉलिटेक्निक वाले हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू रीडिंग, उसके बाद आपको जाना है देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 41 डेट पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के परीक्षा फल के आधार पर प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित आवश्यक सूचना। तो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग पे आपका काउंसलिंग जो इस बार होगा ऑनलाइन होंगे, ठीक है। तो व्यू करना है, व्यू करने के बाद पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ खुलने के बाद देखिए आपको जो वह इम्पोर्टेंट बात है मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में इस बार कुछ पॉलिटेक्निक संस्थान जो अधीन संचालित है, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर रांची, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर दुमका, मेट टूल एंड डाई मेकिंग एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम 2021-22 से इसमें नामांकन ई काउंसलिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवंटित बांटा जाएगा, लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तीन कॉलेज जो है, तीन कॉलेज में आपका तीन ब्रांच आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तीन ब्रांच बढ़ चुके हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि सीट कितने कॉलेज में कितने हैं वो आप देख सकते हैं डाउनलोड कॉलम में। मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा, जिसको चाहिए वो कमेंट करके पूछे कि आप कितने किस कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है। तो मैं और कौन कौन ब्रांच है वो मैं आपको बता दूंगा कोटी वाइज, ठीक है। एससी एसटी का कितना है, ओबीसी का कितना है, जनरल का कितना है, जनरल ईडब्ल्यूएस का कितना है, मैं सारा दिया है, मैं बता दूँगा। उसके बाद बोला गया कि मेरा सूची में आप मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट करें, ये आपका कल से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2021 कल लिंक वो दिखेगा आपका, कल से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। उस पर लॉगिन करने के बाद आपका रोल नंबर, ठीक है, और रोल जो पासवर्ड जो होगा वो देने के बाद आपको क्या करना होगा, क्या कि कल जैसे आएगा मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दूँगा, ठीक है। एक बार मैं आपको ऑनलाइन आके या वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। और आपको ये बताया गया है कि विकल्प मतलब कि आप जो ब्रांच भरेंगे चूज करेंगे कॉलेज में वो सबसे ज़्यादा चूज करने बोला गया कि जितना हो सके ज़्यादा चूज कर लें, चुन लें। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, तो पहला आपका कब से है, 22 अक्टूबर 2021 से लेकर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का सीट अलॉटमेंट के लिए वो आपका 28 अक्टूबर 2021 तक लास्ट है, ठीक है। तो 22 अक्टूबर यानी कल से लेकर 28 अक्टूबर 2021 तक। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जो आपको सीट अलॉटमेंट लिस्ट की आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है वो आपको 1 नवंबर 2021 को पता हो जाएगा, ठीक है। एक नवंबर 2021 को आपको पता लग जाएगा। और उसके बाद आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको एक लेटर दिखे डाउनलोड करना होगा कि आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है, वही आपको दिखाना होगा जिससे आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो, वो आपका 1 नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2021 तक आप ले डाउनलोड कर सकते हो।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो डेट है इंस्टीट्यूट में जाके जो आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेने वो 1 नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2021 तक ले सकते हो। ठीक है, और काउंसलिंग फी जनरल EWS VC1 VC2 के लिए आपका 400 है। ये आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए, सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए मात्र 250 यानी 250 ओनली है। ठीक है, सीट आवंटन है टू, जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर, तो उस समय आपको 1000 रुपये पे करना होगा। एडमिशन के समय वो खुद उपलब्ध उसके पास चल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ दिया कि अभ्यर्थियों को अपवंदिक मतलब कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने हेतु आंशिक नामांकन शुल्क की राशि कंडिका 4 में वर्णित तरीका के ही अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं तथा अध्ययन जारी रखते हैं तो आंशिक नामांकन शुल्क की राशि शिक्षण शुल्क में समायोजन हेतु संबंधित संस्थान को उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे वहाँ पे चला जाएगा, भेज दिया जाएगा वो पैसा। ठीक है, उसके बाद बोलता है अन्यथा आंशिक नामांकन शुल्क की राशि परिषद द्वारा जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद अगर नहीं एडमिशन लेते तो वो आंशिक मतलब जो है राशि वो परिषद के द्वारा जो जिस के द्वारा ये सीज कर लिया जाएगा अपने ऊपर। निर्धारित तिथि तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो आपका सीट खुद कैंसिल हो जाएंगे। वो आपको समझ में आया होगा। तो आपका इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और चॉइस फिलिंग, ये आपका 22 अक्टूबर 2021 से लेकर लास्ट जो है 28 अक्टूबर 2021 तक है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और सीट अलॉटमेंट लेटर आपका कब से 1 नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2021 तक आप डाउनलोड कर सकते हो और उसी के बीच में आप कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं फिर से आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कितने सीट है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके पूछे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें प्लीज और पूछे, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।